नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। जनपद हरिद्वार के बुग्गौला थाने का एसएसपी डी सेंथिल अबुदई करसन राज एस ने आज बुधवार की दोपहर पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी देहात सौपन किशोर सिंह भी मौजूद रहे। थाना परिसर की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, पुराने वाहनों के अलावा मालखाने में रखे शस्त्र, आपदा प्रबंधन सामग्री सहित सभी उपकरणों का जीपी लिस्ट में मिलान कर सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई से लेकर सीज किए गए वाहनों के रखरखाव पर संतोष व्यक्त करते हुए छोटी छोटी कमियों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। उसके बाद एसएसपी ने रजिस्ट्रों का बारीकी से अवलोकन करने के साथ लंबित मामलों को किसी भी दशा और दिशा में जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मालखानों में रखे पुलिस के असलों को चेक करके उनकी नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए और इसी दौरान उन्होंने सिपाहियों और सब इंस्पेक्टरों से सवाल भी पूछे और बंदूकों का प्रैक्टिकल भी कराया, जिसमें उन्होंने संतोषजनक जवाब दिए और संतोषजनक प्रैक्टिकल भी किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष दीप कुमार व अमानतगढ़ चौकी इंचार्ज आमिर खान के साथ समस्त पुलिस बल उपस्थित रहा। मेरे द्वारा जो है थाना बुग्गौला का वार्षिक महीना किया गया है। अब इस वार्षिक महीना में जो है जो हमारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो है उसको चेक करते हैं और माल मोहरमादी जो मालकाना है उसको हम चेक करते हैं, फिर बाकी वाहन वगैरह करिए उसका चेक करते हैं। ये सब चीज़ जो है सही तरफ से जो है इनका द्वारा रख रखाव किया जा रहा है और हमने कुछ सिपाही सब इंस्पेक्टरों से सवाल भी पूछा तो संतोषजनक जवाब वो दे पाए और प्रैक्टिकली हमने करके देखा तो संतोषजनक उन्होंने दिया है। अब यहाँ से हम ये सोच रहे हैं, जैसा इधर कुछ लोग फोरेंसिक यूज करने में एक्सपर्ट है, इस माध्यम से हम एक इनसाइडर ट्रेनिंग टाइप का जो हमारे अन्य थाने में भी इन लोगों को भेज कर थोड़ा बाकी दरगाहों को कॉन्स्टेबल को हम ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। तो वो है बाकी हमने जो माल बहुत जो पुरानी माले हैं और लावारिस वाहन है इसको जल्दी निस्तारित करने के लिए हमने जो है इनको आदेश दिया है, ताकि जो है कितना हम इस माल को निस्तारित कर सकते हैं हमारा थाना परिसर और सुंदर रह सकता है और हम आगे के काम में भी ध्यान दे सकते हैं। ये दिशा निर्देश हम इनको दिए।